कहना चाह रहा हूं, याद कर लेना अपने भाई को, ये आपका ऋण आपका एहसान राजेंद्र गुड्डा आपको सूद सहित वापिस चुका देगा इंशाल्लाह। चाहता हूं हम ये थानेदारी है, ये दादागिरी, ये डर का माहौल खत्म कर देंगे और ये दो किला बर्ताव किसी के साथ नहीं होने देगा इंशाल्लाह। बेड़ा उठा रखा है वहां के जाबाद सपूत मेरे बड़े और छोटे भाइयों, जिस दिन मैं झुंझुनू की धरती पर मेरे पांव रखा था तो मैंने कहा था मेरे 30,000 दोस्त होंगे और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे दोस्तों का रेला 50,000 से ऊपर चला है। अब मैं दो तीन नारे लगाऊंगा तो भाईला कुण कुण है, जगह घरों पर जाओ गुड्डो थारो भाईलो विधानसभा में जायलो, गुड्डो थारो भाईलो, गुड्डो थारो भाईलो, गुड्डो थारो भाईलो, विधानसभा में जायलो, गुड्डो थारो भाईलो, विधानसभा में जायलो। इंशाल्लाह विधानसभा में हम जाएंगे, जनता की खिदमत करेंगे, जनता की सेवा, जनता की सेवा के सारे रिकॉर्ड आपको यह एहसास करवा दूंगा। इंशाल्लाह आपको यह विश्वास हो जाएगा कि विधानसभा में तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त बैठा है। मेरे जितने भी दोस्त यहाँ, मैं मेरे मीडिया के बंधु को कहना चाहता हूँ, मीडिया वाले पूछते थे कट्ठे थारला 30,000 भाईला, अरे भाईला थारो भालो, गुड्डो थारो भालो, विधानसभा में जायलो, गुड्डो थारो भालो, विधानसभा में जायलो। बताना चाहता हूँ आपने जो ताकत राजेंद्र गुड्डा अपने दोस्त को दी है, ये आपकी दी हुई ताकत जनता की खिदमत में लगाऊंगा, सेवा में लगाऊंगा। गुड्डा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड्डा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको बता देना चाहता हूँ ये मेरे दोस्त, आपको आप राजेंद्र गुड्डा के आज आके आपने और ये शिवम को आपने दुआओं से नवाजने और आशीर्वाद का काम किया है। आपको आपको इस राजनीति को बदलने के लिए, इसमें बदलाव लाने के लिए, जनता के जीवन में तब्दीली आए, जनता माँ बाप है, आवाम माँ बाप है और ये कलेक्टर एसपी नौकर है। मैं आपको आज शिवम के जन्मदिन के ऊपर मुबारक मौके पर आपको विश्वास दिलाना। सभी सभी साथी बोले।